विश्व में पीतल नगरी नाम से प्रसिद्ध मुरादाबाद को ध्वनि प्रदूषण के मामले में वैश्विक सूची में दूसरे पायदान पर रखा गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की सूची जारी की गई है, जिसमें शहरों के ध्वनि प्रदूषण स्तर को बताया गया है, जिसमें बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को दूसरे नंबर पर रखा गया है। भारत में ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जो अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। UN की इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 61 शहरों को स्थान मिला है। मुरादाबाद के अलावा देश के 4 अन्य शहर भी इस सूची में शामिल हैं। इनमें कोलकाता, बिहार, असम 89 डेसिबल, जयपुर 84 डेसिबल और दिल्ली 83 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ सूची में शामिल है। ध्वनि प्रदूषण की इस सूची को लेकर विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर आनंद सिंह का कहना है कि आज के दौर में मुरादाबाद ध्वनि प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पर होना चिंताजनक है, इसको लेकर सुधार की जरूरत है। देखिए, आज जो ध्वनि प्रदूषण की बात है, मुरादाबाद दूसरे नंबर पर दिख रहा है, ये चिंताजनक बात है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो रोड्स की कंडीशन है वो ठीक की जाए, ताकि एक स्थान पर गाड़ियाँ इकट्ठा ना हों, और स्पीड उनकी जब बनेगी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे जब रोड्स क्लियर होंगी तो हॉर्न वगैरह जो है वो कम बजेंगे, और उससे जो ध्वनि प्रदूषण का लेवल है वो नीचे आएगा। और इसके अलावा जो ट्रैफिक के जो कनेक्टिविटी है उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। जिम्मेदारी की जहाँ तक बात है, देखिए निश्चित तौर पर ये कहना कि केवल और केवल सरकारी महकमे जिम्मेदार, तो मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो हमारी एक्ट है गाड़ी चलाने का, जो हमारा तरीका है, कम से कम हम हॉर्न का प्रयोग करें, और जो प्रेशर हॉर्न है आजकल लोग बाग अपनी गाड़ियों में लगा रखे हैं वो वैसे भी नियम विरुद्ध है और उसको नहीं लगाना चाहिए। और कहीं अगर हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो हमें अपने ऊपर भी तो कंट्रोल करना चाहिए कि खुद से, क्योंकि ये वातावरण हमारा है, इसे शुद्ध, इसे सही, अच्छा रखने का जो जिम्मेदारी है वो जितनी सरकार की है, जितनी महकमों की है, उतनी हमारी भी है। लेकिन हाँ, ज़रूरी है कि सरकारी महकमों को चाहिए कि वो इस पर अपनी तरफ से भी कुछ दबाव दें, जनता को इसकी गाइडलाइन जारी करें कि कहें, और कनेक्टिविटी को और क्लियर करें, वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं जहाँ पे कि एक रोड पे ज़्यादा जाम या वैसी स्थिति ना हो।